हेलो एवरीवन बच्चों, चलिए देखते हैं 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ वन ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ टू अदर शो दैट द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। राइट, हमें क्या गिवन है, अगर ट्रायंगल का एक एंगल ग्रेटर है बाकी रेस्ट टू एंगल्स के सम से, सो प्रूव करना है इज ऑब्ट्यूज एंगल होगा। सो कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं ट्रायंगल एबीसी। पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है, गिवन लेट एबीसी ट्रायंगल एबीसी, और लेट कर लेते हैं एंगल ए इज ग्रेटर देन रेस्ट टू एंगल्स, सम ऑफ रेस्ट टू एंगल्स। सो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी प्लस एंगल सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, सो क्या करें, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। इसको रेड कर लेते हैं, और ये हमने जो प्रूव करना था इसी को रेड कर लेते हैं फर्स्ट, और ऑब्वियस प्रूव कर रहे हैं। सो क्या करें, इन इक्वेशन फर्स्ट एट एंगल ए ऑन बोथ साइड में ऐड कर दिया, क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। सो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी इज 180। So 180 from second, right? So क्या होगा, angle A is greater than 180 divided by 2. So क्या होगा, angle A is greater than 90. So हमने prove कर दिया कि जो angle A है greater than 90 होगा, so क्या होगा, that angle is obtuse angle. So ये छोड़ देते हैं, रेगुलर इज ऑब्ट्यूज एंगल, हेंस प्रूफ।